हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए 10th क्लास मैथ का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए, जो कि आपने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर की हमारे पास एक छोटी सीरीज चल रही है। मैं सभी चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस करता चल रहा हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे 1.4 एक्सरसाइज, जिसमें आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए उसी का बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा एक्टिविटी के थ्रू आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आए। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिफरेंसेस क्या होते हैं, सेकंड रेशनल इरेशनल में डिफरेंसेस क्या होते हैं, एक और पॉइंट है उसके साथ साथ क्या रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग रीअकरिंग और रिक्यूरिंग या नॉन रिक्यूरिंग मीन्स अकरिंग वही होता है। सो कॉन्सेप्ट ये सभी आपके साथ डिस्कस करने वाले। आई होप सो ये सभी डिफरेंसेस इनसे रिलेटेड कुछ हमने एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर किए हैं, सभी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपके इन सभी पॉइंट्स में डाउट क्लियर हो जाए। होपफुल वीडियो आपको लिए बहुत ज्यादा पसंद आए। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स पर अपनी क्वेरीज को लिखना ना भूलें, जिससे कि हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपके डाउट को क्लियर कर सके। थैंक्स। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले। यहाँ पर हमने चैप्टर्स नंबर फर्स्ट मैथ 10th क्लास का रियल नंबर से इसके लास्ट एक्सरसाइज है 1.4, जिसमें हमारे पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में 2 मार्क्स में हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। आज के बाद आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्कस करने वाले सभी पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नॉन रिक्यूरिंग रेशनल इरेशनल रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग होते क्या है। फर्स्टली हम थोड़ा सा सपोज करते हैं कि मेरे पास जो भी सबसे पहले आंसर आता है वो डेसिमल एक्सप्रेशन आता है। जो भी मेरे पास डेसिमल एक्सप्रेशन है, कोई भी मेरे पास आंसर आया डेसिमल एक्सप्रेशन, होता क्या है, किस किस तरीके से वो डिवाइड होता है, वो दो पार्ट में से एक चीज हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, वो या तो वो टर्मिनेटिंग हो सकता है। क्या हो सकता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होते कौन से है? या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं, टर्मिनेट इन द सेंस कि वो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं रुक जाए। मैंने किसी चीज को डिवाइड किया, ये बताऊंगा एग्जांपल लेकर, अगर वो रुक गया डेसिमल के बाद, रिपीट डिजिट नहीं, बार बार डिजिट नहीं आ रही है, जैसे कि मैं किसी भी डिजिट को 5 से डिवाइड करूंगा, एक सपोज दैट 3 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से, 0.6, इसके बाद और डिजिट नहीं आ रही है, ऐसे तो नहीं आ रहा 666 रिपीट होता जा रहा है, नहीं हो रहा ना। तो ऐसे जो रुक जाएंगे डेसिमल एक्सप्रेशन स्टॉप होगा, एंड पॉइंट होगा, उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जो रिपीटिंग होंगे, बार बार आते रहेंगे, बदल कर आएंगे, उन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो टर्मिनेटिंग होते हैं वही तो रेशनल कहलाते हैं, वो रेशनल तो होते हैं, रेशनल नंबर यही होते हैं, ध्यान रखना टर्मिनेटिंग ही रेशनल कहलाते हैं, इजीली उन्हें रेशनल कर सकते हैं। अब टर्मिनेटिंग में मेरे पास दो कॉन्सेप्ट, नॉन टर्मिनेटिंग में दो कॉन्सेप्ट आएंगे। पहला रिपीटिंग, जो रिपीट होंगे, जैसे कि मैंने 6-6 का एग्जांपल लिया। सेकंड नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं होंगे लेकिन क्या होंगे, वो टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन रिपीट नहीं होने वाले। अब जो रिपीट होंगे वो हम क्या कर सकते हैं, ये रेशनल है। क्यों है, रीजन भी देते हैं इसका, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। क्यों? इट कैन बी कन्वर्ट इन टू फ्रैक्शन, यस और नो, यस इजीली, या फिर दे कैन बी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं बता ही देता हूँ, लिखने का स्पेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा। फिर जो हमारे पास रिपीटिंग डिजिट्स आएंगे वो रेशनल नंबर बन जाएंगे, कब, जब उन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होगा। सो ये क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे, इरेशनल। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कराए जा सकते, ये कन्वर्ट करे जा सकते हैं। सो ये वाले, ये कौन से हो गए मेरे पास कन्वर्ट करे जा सकते हैं, तो ये कौन से वाले हो गए मेरे पास, ये हो गए रेशनल नंबर, क्योंकि कन्वर्ट हो सकते हैं फ्रैक्शन में, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ये होते क्या, ये रीअकर होते, बार बार आते, यस, इन्हें बोलते हैं रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग नंबर। ये नॉन रिक्यूरिंग होते हैं, नॉन रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग नंबर होते कौन से, सारे पॉइंट, 4 पॉइंट है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल इरेशनल, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, रिक्यूरिंग नॉन रिक्यूरिंग। 4 कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, क्लियर हुआ, रेशनल किसे कहते हैं, रेशनल मीन्स जो अपॉन की फॉर्म में आ जाए, अभी एग्जांपल भी लेंगे। इरेशनल मीन्स जो अपॉन की फॉर्म में ना आए, जो पॉइंट के बाद डिजिट चलते जाए और
किसका? इरेशनल का मीनिंग बता रहा हूं आपको, पॉइंट के बाद डिजिट चलते जाए और वो सेम ना हो, डिफरेंट हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 2, फिर 1 2 2, फिर 1 2 2, 1 4 2। देखा आपने, रिपीट भी नहीं हो रहे, कोई सीक्वेंस भी नहीं बन रही है और वो चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, नॉन टर्मिनेटिंग है, सो वो इरेशनल कहलाते हैं, इरेशनल। क्लियर? अब रिपीटिंग कौन से होते हैं ये भी पता चल गया, रिपीट होंगे, जैसे 6 6 6 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर जो रिपीट नहीं होते वो ये होते हैं कि उनका ऑर्डर एक ही नहीं है। रिपीट कब होते? 1 2 1 2 1 2 1 2 होता, लेकिन यहाँ 2 का ऑर्डर जो है सीक्वेंस सेम नहीं है, सो नॉन रिपीटिंग हो गए। रिक्यूरिंग कौन से होते हैं? जो रीअकर हो, मतलब दोबारा आए, बात तो वही है, रिपीट हो, रिक्यूरिंग। नॉन रिक्यूरिंग जो दोबारा ना आए। सभी कॉन्सेप्ट क्लियर? ये छोटी सी एक्टिविटी की हेल्प से आप माइंड मैप की हेल्प से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं जो मेरे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। तो देखते हैं एग्जांपल कौन कौन से, मैं एग्जांपल सोचूंगा कि आपकी 10th क्लास की 1.4 एक्सरसाइज से कुछ एग्जांपल वहां से उठाए जाए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, वहीं से रिपीट होते हैं। तो देखते हैं मेरे पास एग्जांपल कौन कौन से हैं, और इजी भी हैं वो सभी एग्जांपल, क्योंकि वो एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं। तो हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं आपकी बुक से कोई एक, 1 3 3 1 2 5। यस, ये एग्जांपल फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपकी बुक में, 3 1 2 5 क्वेश्चन आ गया 1 मार्क्स में। चेक करो क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो फ्रैक्शन फॉर्म, मींस इसकी डेसिमल फॉर्म बताओ। तो अभी बताते हैं इसके डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगी, मींस अगर टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल एक्सप्रेशन बतानी है। जैसे भी कॉन्सेप्ट इसके बारे में सब डिटेल देता हूं मैं आपको। पहले आप, मैं एक और चीज क्लियर कर दूं यहां पर टर्मिनेटिंग के बारे में, टर्मिनेटिंग और किसके लिए, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। एक बहुत बड़ा एग्जांपल समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर मेरे पास कोई भी रेशनल नंबर है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, लाइक दिस, ऐसे और जितने भी मेरे पास क्वेश्चन है सारी एक्सरसाइज में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर है, उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर, क्यू के फैक्टर 2 और 5 की टर्म्स में हो, किसकी, 2 और 5 ओनली, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा। जैसे कि मेरे पास 2 5 के साथ साथ 3 भी आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 2 5 आए ओनली, या फिर 2 या फिर 5, तीनों कॉन्सेप्ट, या तो 2 आ जाए सिर्फ और सिर्फ, या सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाए, या 2 × 5 के कोई भी पावर आ जाए, कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए, ये तीनों आते हैं तो टर्मिनेटिंग है। इनके अलावा 3 7 11 कोई भी मेरे पास डिजिट आती है, कोई भी नंबर आता है उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो भी ध्यान रखना वो नॉन टर्मिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। क्यों है? क्योंकि इनकी डेसिमल एक्सप्रेशन रुक जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, रेशनल में कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए, वरना सब नॉन टर्मिनेटिंग है। चेक करते हैं एग्जांपल की हेल्प से, फिर पता चलेगा कि सर ने बताया है नहीं, अभी बाद में रेस करेंगे। पहले इसे 3 1 2 5 के फैक्टर करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जैसे कि आपको एलसीएम लेना आता है, मैं डायरेक्टली ले सकते हैं, 5 5 25 25 5 125 625 3 1 2 5 5 की पावर 5 टाइम्स, 3 5 की पावर 5 टाइम्स। आपने देखा डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 5 आया, तो मेरे पास किसका कॉन्सेप्ट है, टर्मिनेटिंग का। यानी कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 आए या सिर्फ 2 आए या 2 5 दोनों आए तो टर्मिनेटिंग होगा। पहली चीज, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, पहला पॉइंट क्लियर। अब डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना। मेरे पास 5 की पावर कितनी है, 5, जितनी पावर 5 की उतनी पावर मुझे लानी है 2 की, जितनी पावर 5 की उतनी पावर 2 की चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 की पावर 5 से ही, 13 सेम, 2 की पावर 5 इन द सेंस 2 4 8 16 32, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। अब दोनों बेस इक्वल नहीं है, पावर इक्वल है, तो बेस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये एक्सपोनेंट वाला पोर्शन है। 13 की 32 में मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 26 का कैरी 2, 13 3 39 241, 5 2 10, 10 की पावर कितनी है, 5 5, मींस 5 जीरोस, ये तो होता है इसका मीनिंग। अब 5 जीरो हैं, 5 के बाद डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 4 5, और आपने देखा कि इस नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा आ गया, रुका हुआ है, रिपीट तो नहीं हो रहा, चल तो नहीं रहा, क्योंकि टर्मिनेटिंग ऑब्वियसली चलना नहीं है, रुकना है ऐसे। कॉन्सेप्ट क्लियर? कैसे चेक करेंगे टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट करने वाले हैं। एग्जांपल क्लियर हुआ? एक दो एग्जांपल और लेते हैं, कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा।
ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, टर्मिनेटिंग किसे बोलेंगे जिसके डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 2 और 5 आएगा या 2 5 आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग 3 वाला 7 वाला। इसका भी एक और एग्जाम्पल लेकर देख लेंगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसके फैक्टर हमें ऑलरेडी मिल गए 23, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 है, मीन्स ना यहाँ पर 7 है ना 11 है ना 3 है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यहीं पर ही मैंशन कर दो। वाह भाई वाह, कितना ईजी क्वेश्चन था। अब इसकी टर्मिनेटिंग हो गया तो डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, ऑब्वियस है। मैंने भी आपको बताया था कि दोनों की पावर कैसी करनी है, मुझे सेम करनी है, लेकिन यहाँ 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 1 5 की पावर और होती तो काम हो जाता, होती इन द सेंस मैं ले आया 23 5 जा 115, 2 की पावर 3 सेम, 5 की पावर 2 और 1 3, 115 पावर इक्वल है, बेस की मल्टीप्लाई हो सकती है, 5 2 जा 10 हो जाएगा। पावर 3 का मतलब मैंने अभी आपको बताया था 3 0 1 2 3, 3 0s है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 5 1 1, डेसिमल एक्सप्रेशन भी फाइंड हो गया, इजी था ना। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं, इसी एक्सरसाइज से ले लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। 6/15, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, गलत करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चे गलत कर कर भी आते हैं। 15 के फैक्टर करते हैं स्टूडेंट, 5 into 3, क्या सर 3 आ गया इसमें, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं पहले से सॉल्व कर लेना है। न्यूमिनेटर के भी फैक्टर करते हैं 2 into 3, इसके भी फैक्टर करते हैं 5 into 3, 3 से 3 कैंसिल, 2/5, बढ़िया खेल गए। तो 5 है मेरे पास, अब 5 है तो सिर्फ मैंने अब तक बताया था सिर्फ 2 भी हो सकता है, सिर्फ 5 भी हो सकता है, 2 5 साथ में भी हो सकते हैं, यहाँ पर क्या है सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। अब ये टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करो, मैंने बताया था जितनी पावर 5 की है, जहां कुछ नहीं 1 पावर, उतनी पावर मुझे 2 की चाहिए, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 1 0 है, 1 के बाद पॉइंट, डेसिमल एक्सप्रेशन आ गई, बहुत ईजी है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, 0.4 है, टर्मिनेटिंग है क्योंकि टर्मिनेटिंग आ गया था। एक दो एग्जांपल और ले, अभी देख लेते हैं एक दो एग्जांपल और लेकर कितने ईजी है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला आपका। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक नॉन टर्मिनेटिंग का भी लेंगे, क्योंकि ना ऐसा नहीं है वैसा कुछ होना नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हम एक बार ले लेते हैं इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं पहले। 35/50, आप बताओ टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, फैक्टर करना पड़ेंगे, 35 5 7 जा 50 5 into 10, 10 भी नहीं लिखते, 5 into 2 लिख लेते हैं बस, 5 5 जा 25 2 जा 50, टर्मिनेटिंग है क्योंकि 5 और 2 है, कुछ भी नहीं आ रहा डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में चेक करना है, 5 कैंसिल बाय 5, 7/10, 1 0, 1 के बाद पॉइंट, टर्मिनेटिंग हो गया था, डेसिमल एक्सपेंशन आ ही गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो भी गया होगा आपको। लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, 5th हम ले लेते हैं, 77/210, बताओ टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, 77 के फैक्टर 11 7 जा, 2 1 10 के फैक्टर करते हैं, 2 1 0 के 3 7 जा 21, 2 into 5, क्या क्या आ गया भाई ये, 7 तो चलो रिड्यूस कैंसिल हो गया, 11 3 2 5, 3 को कहाँ लेके जाए, नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसकी डेसिमल एक्सप्रेशन आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 5 2 जा 10 हो गया, 10 3 जा 30 हो गया, डिवाइड कर लेना, पॉइंट कैसा आएगा, डिजिट रिपीटिंग आता रहेगा, रिपीटिंग नहीं आएगा, डिफरेंट आता रहेगा, नहीं रिपीटिंग नहीं आएगा, डिफरेंट आता रहेगा क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, हाँ। सो हमारे पास बहरहाल जो भी कंडीशन आएगी किसकी आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग की आएगी। होप सो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, क्वेश्चन सभी क्लियर होंगे एग्जांपल्स के साथ। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, जिससे कि हम अपनी आने वाली वीडियोस में आपके डाउट को क्लियर कर सके। कॉन्सेप्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि आने वाले सभी लेटेस्ट पार्ट आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच सके। थैंक्स।